हेलो दोस्तों, आज मैं आपको व्हाट्सअप की ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अगर आप डेली रूटीन लाइफ में चैटिंग करते वक्त इसको यूज़ करते हो तो आपका इम्प्रेशन भी आपके सामने वाले पर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह का व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, इस तरह का मैसेज करते होंगे जो आज तक उसने यूज़ नहीं किया होगा। तो वो आपसे पूछेगा, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी इस तरीके के मैसेज करना है, इस तरीके का व्हाट्सअप यूज़ करना है, ताकि मैं इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से व्हाट्सअप को यूज़ कर सकूं और दूसरों के ऊपर इम्प्रेशन बढ़ा सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको वो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जो मैं जानता हूं, और आप इसको यूज़ करके लोगों के ऊपर इम्प्रेशन अपनी इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक्स जानने से पहले सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको व्हाट्सअप अपना जो है वो अपडेट करना होगा। तो जल्दी से आप अपने प्ले स्टोर पर जाइए और अपने व्हाट्सअप को अपडेट कीजिए, उसके बाद आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कारण से आप अपने व्हाट्सअप को अपडेट नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, फिर भी आप ये ट्रिक्स अपने व्हाट्सअप पर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो मैं ट्रिक की बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने व्हाट्सअप का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। ये है पहले ट्रिक। दूसरी ट्रिक की बात करें तो वो ये है कि व्हाट्सअप में आपको जो भी मैसेजेस आते हैं दिन भर के, वो सारे मैसेजेस में से आपको जो भी मैसेज अच्छा लगता हो, जो आपको बार बार रीड करने की ज़रूरत पड़ती हो, वो सारे मैसेज के कलेक्शन आप रख। तीसरी ट्रिक की बात करें तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, वीडियोज़ आते हैं लेकिन आप उनको डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, फिर भी वो डाउनलोड हो जाते हैं, तो वो आप अगर बंद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। चौथी ट्रिक की बात करें तो वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप व्हाट्सअप में जो मैसेज करते हैं वो सिंपल मैसेज करते हैं, सिंपल फॉन्ट में, लेकिन आप इस तरीके के फॉन्ट के भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, सारी की सारी ट्रिक्स मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और अपने व्हाट्सएप को अपडेट करना है। तो दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप अपडेट है, ठीक है? तो अभी हम ओपन करके सारी ट्रिक्स एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है ट्रिक्स में, आपको सबसे पहले आपको अपने व्हाट्सएप का बैकग्राउंड जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको सेटिंग्स में जाकर चैट्स में जाना है, उसके बाद वॉलपेपर में जाना है, और वॉलपेपर में जाने के बाद आप यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कोई मुझे अच्छा लग रहा है वो वाला, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है? और सेट वॉलपेपर, ठीक है? अब ये वॉलपेपर हमारे व्हाट्सएप के बैकग्राउंड में सेट हो गया है, ठीक है? और उसके बाद हम थीम के ऊपर सिलेक्ट करके भी लाइट या डार्क हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं डार्क अभी ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, तो ये डार्क हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं अगर लाइट करना चाहूँ तो लाइट भी कर सकता हूँ, और जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हुई हमारी पहली ट्रिक। आप जब यहाँ पर अंदर जाकर देखेंगे ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों, दूसरी ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप अब कोई मैसेज आपको अच्छा लगता है और बार बार इसको रीड करने की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो आप उसको अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे ये मैसेज जो है वो यूज़फुल लग रहा है तो मैं इसको साइड में एक कलेक्शन के तौर पर रख दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैसेज मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने स्टार जो है उसके ऊपर क्लिक किया, तो ये जो है मैसेज स्टार्ट हो गया है। और अगर मुझे ये मैसेज बार बार अगर देखना पड़ रहा है तो ये मैं जो ये मेरा जो भाई है उसके व्हाट्सएप में मैं नहीं जाऊँगा, सिंपली मैं बाहर जाकर सिंपली स्टार्ट मैसेज जो होंगे वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, तो जितने भी हमने स्टार्ट मैसेज किए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये थी दूसरी ट्रिक कि आपको बार बार किसी के व्हाट्सएप में देखना नहीं पड़ेगा, सिंपली आप जिस जो भी अपने स्टार्ट मैसेजेस किए होंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो दोस्तों, तीसरी ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद इस तरीके के फ़ोटोज़, वीडियोज़,
आपको आ जाते हैं और वो डाउनलोड भी हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपके जो स्टोरेज है वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है, इससे वो डाउनलोड हो जाते हैं, ऑटो डाउनलोड हो जाते हैं, इससे आपके स्टोरेज जो है वो कम हो जाती है। तो इसमें अगर आपको ये ऑफ़ कर देना है, बंद कर देना है, तो कोई भी मैसेज या सॉरी मैसेज नहीं फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी कुछ आता हो वो डाउनलोड ना हो, वो आपका डाउनलोड आपका बंद करना है। तो क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद नोटिफिकेशन में नहीं सॉरी स्टोरेज एंड डेटा में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है मीडिया ऑटो डाउनलोड, उसमें जाने के उसमें उसके नीचे पेन यूजिंग मोबाइल डेटा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर ये हमें यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, मतलब कि आप मोबाइल डेटा जब यूज़ कर रहे हो, जब भी आप इंटरनेट नेट का यूज़ कर रहे हो, तभी फ़ोटोज़ ऑडियोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट सारे डाउनलोड ऑटो डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये सारे सभी में जो आपने टिक कर रखा है वो सभी आपको बंद कर देना है, ऑफ़ कर देना है। तो जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वीडियो ऑडियोज़ जो भी और डॉक्यूमेंट जो भी आएगा वो जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करते होंगे तभी वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा, जब भी आप वाईफाई यूज़ करोगे तभी ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अनटिक कर देंगे इसको, तो तभी आप जब भी वाईफाई आप यूज़ करते हो तब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वीडियोस फ़ोटोज़ ऑडियोज़ कुछ भी ऑटो डाउनलोड नहीं होगा। तो सब हमने सभी में ऑफ़ कर दिया, अब कोई भी हमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ ऑडियोज़ डॉक्यूमेंट आएगा तो वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा। तो दोस्तों चौथी ट्रिक की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप इस तरीके के सिंपल फॉन्ट वाले मैसेजेस करते हो, ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन आपको अगर कोई ऐसा आपको मैसेज करना है जो बोल्ड हो या फिर इटैलिक फॉन्ट में हो या फिर कैंसल टेक्स्ट अगर आपको किसी को भेजना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो उसकी ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई बोल्ड मैसेज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हाय ब्रो, ठीक है, अगर आपको इसको बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली आपको इसके स्टार्टिंग में एंड एंड में आपको स्टार स्टार लगा देना है, तो ये आपके मैसेज जो है वो बोल्ड टाइप हो जाएंगे। तो चलिए बोल्ड टाइप हो गया, अगर हम किसी को इटैलिक फॉन्ट टाइप का मैसेज अगर सेंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि थैंक यू सॉरी थैंक्स, अगर इसको हमें इटैलिक फॉन्ट में किसी को मैसेज करना है तो कैसे करेंगे, हम अंडरस्कोर इसके आगे और पीछे लगा देंगे तो ये इटैलिक जैसे फॉन्ट हो गए और इसको हम सेंड कर देंगे, ठीक है, तो ये इटैलिक फॉन्ट टाइप मैसेज हो गया। और उसके बाद अगर कोई हमें रॉन्ग टेक्स्ट का मैसेज करना है, मतलब कि कोई वर्ड है कोई टेक्स्ट है उसको रॉन्ग करके उसके ऊपर ऐसे लाइन करके हमें किसी को भेजना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि करना है हमें रॉन्ग, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और इसको इसके ऊपर हमें एक लाइन कर देनी है ताकि हमें ये रॉन्ग जैसा लगे कि ये मैसेज जो है वो गलत है। तो कैसे करना है, आपको यहाँ पर ये वाला जो सिंबल है इसको ये आगे और पीछे लगा देना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉन्ग के ऊपर एक लाइन आएगी और आपको ये इस तरीके का फॉन्ट टाइप मैसेज अगर किसी को भेजना है तो वो आप इस तरीके के से ये सिंबल इसके आगे और पीछे लगाकर सेंड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी और आप इसको यूज़ करना भी सीख गए होंगे। तो अगर आपको जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े इस तरह के ट्रिक्स यूज़ कीजिए। तो WhatsApp के ऊपर आपको कोई भी नया जानना हो, कुछ नया सीखना हो, कोई क्वेरी हो, ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर से रिप्लाई देकर आपकी क्वेरी सॉल्व करूँगा और कुछ नया सिखाने के लिए वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, तो दोस्तों अभी के लिए चलता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।